राजधानी दिल्ली में मौजूद जंतर मंतर पर मंगलवार सुबह पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अखिल भारतीय पेंशन बहाली मोर्चे के आह्वान पर सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई विभाग मौजूद रहे, जिन्होंने पेंशन बहाली को लेकर सरकार से मांग को पूरा करने की गुहार लगाई। इसी बीच प्रदर्शन में शामिल हुई इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन एम्प्लॉय की उपाध्यक्ष ललिता अध्यापक ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो काफी लंबे समय से पेंशन बहाली की मांग प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया। इस वजह से सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि सरकार इस मुद्दे के बारे में कुछ सोचे। ललिता ने आगे कहा कि जिस देश में सांसदों विधायकों को पेंशन बड़ा चढ़ा कर दी जाती है, वहीं सरकारी कर्मचारियों को एक छोटा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। सरकार का एक कदम पक्षपाती है, इस पर विचार होना चाहिए। आज हम जंतर मंतर या हिंदुस्तान के ऐतिहासिक स्थली पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि भारत का सारा सरकारी कर्मचारी आज पुरानी पेंशन बहाल की मांग कर रहा है। हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए, इस मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज 11 तारीख को सिर्फ दिल्ली जंतर मंतर पर ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के हर राज्य में इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के माध्यम से धरना दिया जा रहा है। मुद्दे हमारे तीन हैं। पहला, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। दूसरा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है इसको बंद किया जाए। और ये जितने भी गैस टीचर से हमारे दिल्ली का, उनको परमानेंट किया जाए। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। वहीं प्रदर्शन में शामिल हुए इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन एम्प्लॉय के प्रदेश अध्यक्ष अजयवीर यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग पिछले 2 सालों से लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में चौथी बार जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले वो सभी सांसदों को टोकरे भरकर पत्र दिए गए थे, जिन्हें उनके आवास तक पहुंचाया गया, जिसका असर देखा गया, लेकिन पूर्ण विराम नहीं लग पाया। हालांकि ये रद्द पक्का है कि 2023 में पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी होगी। देखिए, ये जो पुरानी पेंशन बहाल कराने का जो हमारा आंदोलन है, ये सतत श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगातार पिछले 2 वर्षों से चालू है जंतर मंतर पे। आज उसी श्रृंखला में हम चौथी बार यहाँ आए हैं। पहले हमने सभी सांसदों को पत्र दिए, वो हमने टोकरे में भर के यहाँ से प्रदर्शन करते हुए सभी के आवास पे जाके उनको पत्र दिए कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करिए। उसके बाद हमने 2 बार प्रदर्शन दिए। उससे पहले जो हमारा था वो हमारा संकल्प धरना था, जो 1 फरवरी को था। आज संकनाथ धरना है और अभी और कई धरने देंगे और जुलाई और अगस्त के माह में हम फाइनली यहां से कूच करके रामलीला मैदान चले जाएंगे, पेंशन बहाल 2023 में करवा के छोड़ेंगे। बहरहाल सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग तो की है, साथ ही सरकारी कर्मचारियों ने भविष्य में आर्थिक मदद का लाभ मिल सके ये भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तो वो दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन करेंगे। रियर आई टोटल टीवी दिल्ली।